प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 8 मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, साथ ही भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ 5 हथियार निर्माताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंगेर SP लिपि सिंह को गुप्त सूचना मिली कि मुफसिल थाना क्षेत्र के टीकापुर बहियार में कुछ लोग अवैध हथियार बनाते हैं, जिसके बाद SP ने एक विशेष टीम का गठन कर टीकापुर दियारा में छापेमारी की। वहीं छापेमारी में 8 मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। कल मुफस्सिल थाना और स्पेशल सेल की टीम ने टीकापुर बहियार, जो कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत आता है, वहां से 8 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और 5 अपराधकर्मियों को हथियार बनाते टाइम रंगे हाथों पकड़ा। जिसमें से 2 जो इनके मास्टरमाइंड थे, रवि यादव और मनोज यादव, वो भागने में सफल हो गए हैं। और ये जो 5 है, ये लोग को लाया गया था, ये लोग मथार दियरा खगड़िया के रहने वाले हैं। तो इसमें से अशोक यादव, चंदन यादव, धर्मेंद्र यादव, शंभू यादव और शैलेश यादव, ये 5ों को 8 बेसिकली मिनीगन फैक्ट्री, अर्धनिर्मित लॉन्ग बैरल का एक कट्टा है, शॉर्ट बैरल कट्टा अर्धनिर्मित, 4 जो है खोखा जो कि लोग टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर, भट्टी, हथौड़ी और भी जितने तरीके के सामान इसमें बनाने के लिए गन्स को होते हैं, वो सारा कुछ बरामद किया गया। वहीं छापेमारी में हथियार बनाने की 8 बेस मशीन, 1 लॉन्ग बैरल अर्धनिर्मित कट्टा, 1 शॉर्ट अर्धनिर्मित कट्टा, 8 mm के 4 खोखे और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 5 हथियार निर्माताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 4 मुफसिल थाना क्षेत्र के हैं और 1 अन्य खगड़िया जिले का रहने वाला है। पंजाब केसरी TV के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।